नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पीएम किसान ई केवाईसी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर टच करते ही आप आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों ई केवाईसी बिल्कुल आसान है, सिंपल है। उसके बाद आप गेट मोबाइल ओटीपी पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों टोटल डाटा आपने यहाँ पर भर लेना है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर कोई सा भी डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपको ऊपर मैसेज मिल जाएगा, ओटीपी सेंड योर मोबाइल। जो मोबाइल यहाँ पर डाला है उस पर 4 डिजिट का अभी ओटीपी गया है। दोस्तों आपने यहाँ पर 4 डिजिट का ओटीपी फिलअप कर देना है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर सामने दिखा रहे हैं। उसके बाद आप नीचे जो आपको ऑथेंटिकेट करना है, आपने दोस्तों अपने गेट आधार ओटीपी करके नीचे ऑप्शन है गेट आधार ओटीपी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपके जो आधार कार्ड में नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा दोस्तों 6 डिजिट का। आपने वो यहां पर डाल कर आपने नीचे जो सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है वह आपने दबा देना। जैसे ही आप दबाएंगे तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं KYC इज सक्सेसफुल सबमिटेड, आपको अलार्म मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहां से बैक कर सकते हैं, और उसका अगर आप प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो Ctrl+P दबाकर, और या फिर आप 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर का ऑप्शन आएगा, फिर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट उस EKYC का लेकर अपने पास रख सकते हैं, अगर आप दोबारा से अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी डन बताता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप EKYC कर सकते हैं अपने फ़ोन से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।